अगर आपकी स्किन ढीली पड़ चुकी है, फाइन लाइंस रिंकल्स आपकी स्किन पर आ चुके हैं, या आपकी स्किन उम्र से पहले बूढ़ी दिखने लगी है, ग्लो नहीं है आपकी स्किन में जो कि आप चाहते हैं, तो इस वीडियो में बताए गए इस एंटी एजिंग सीरम को जरूर ट्राई करें। यस गाइस, ये कोई मामूली सीरम नहीं बल्कि नेचुरल इंग्रेडिएंट से बना एक ऐसा एंटी एजिंग मैजिकल सीरम है जो न सिर्फ लटकती लूज स्किन को टाइट करता है, फाइन लाइंस रिंकल्स को खत्म करता है, बल्कि आपकी स्किन जो उम्र से पहले बूढ़ी हो चुकी है उसको रिपेयर कर स्किन को टाइट एंड ब्राइटन एंड यंग बनाने का काम भी बहुत ही अच्छे तरीके से करता है, ग्लोइंग बनाता है आपकी स्किन को। ओवरऑल 3 इंग्रेडिएंट से मैंने इसको प्रिपेयर किया है, ना सिर्फ प्रिपेयर बल्कि किस प्रोसेस की तरह आपने इसको इस्तेमाल करना है, कैसे इस्तेमाल करना है, ये भी मैं आपको इस वीडियो में दिखाने वाली हूँ। सो कंप्लीट एंड तक पूरा देखिए और वीडियो अच्छे लगे तो लाइक जरूर कीजिए। तो इस सीरम की प्रिपरेशन के लिए सबसे पहले आपने एक पैन ले लेना है और इसमें आपको डाल देना है 1 गिलास पानी। अब इसमें आपको इंग्रेडिएंट ऐड करने हैं और सबसे पहला इंग्रेडिएंट आपको इसमें जो ऐड करना है वो है 1-2 टेबलस्पून फेनुग्रीक सीड्स। लेकिन ये फेनुग्रीक सीड्स मैंने एक रात पहले भिगो दिए थे, इसलिए ये भिगे हुए फेनुग्रीक सीड्स के 2 चम्मच मैंने इसमें ऐड किए हैं और जो फेनुग्रीक का वाटर है जो पीला हो चुका है उसको भी मैंने इसमें ऐड कर दिया है। दूसरा इंग्रेडिएंट जो कि आपको यहाँ पर ऐड करना है वो है संतरे के छिलके, यू नो ऑरेंज पील। जी हाँ, ऑरेंज पील के बारे में आप जाकर पढ़िए कि इनमें क्या क्या कमाल की चीजें होती हैं जो आपकी स्किन को स्पॉटलेस, ब्राइट एंड यूथफुल टाइट बनाने का काम करती हैं। थर्ड एंड फाइनल इंग्रेडिएंट है अलसी के बीज, यू नो फ्लैक्स सीड्स 1 टेबल स्पून। देखिए, बहुत सारे लोग हैं जो एलोवेरा जेल के लिए कम्फर्टेबल नहीं है, इसीलिए मैंने यहाँ पर फ्लैक्स सीड्स का इस्तेमाल किया है और पानी में ही मैंने इसको इंट्रोड्यूस कर दिया है ताकि जब ये अच्छे से खोलकर पकेगा, कम होगा, तो ये खुद पे सीरम कंसिस्टेंसी में आ जाएगा फ्लैक्स सीड्स की वजह से, क्योंकि ये बहुत ज्यादा स्टिकी होता है जब ये गर्म पानी के कॉन्टेक्ट में आता है। लेकिन अगर आप फ्लैक्स सीड्स जेल से कम्फर्टेबल नहीं है तो आप थर्ड इंग्रेडिएंट इंट्रोड्यूस ना करें, दोनों ही चीजों को अच्छे से खोलने दीजिए, पकने दीजिए और इसको स्ट्रेन करके ठंडा करके आप इसमें एलोवेरा जेल का इस्तेमाल करें। तो दोनों ऑप्शन मैंने यहाँ पर आपको दे दिए हैं, आप जो चाहे बनाकर यूज कर सकते हैं। तो इस तरह से आपका एक खुशबूदार बहुत ही अमेजिंग एंटी एजिंग सीरम बनकर रेडी हो चुका है। इसको आप एक कांच की बोतल में स्टोर कर लेंगे और एक ड्रॉपर की हेल्प से ही आप इसे इस्तेमाल करेंगे। जी हाँ, आपको इसे टच नहीं करते रहना क्योंकि हाथ कई बार गंदे होते हैं और हमारा जो ब्लेंड है वो खराब हो जाता है, तो आप अलग से एक ड्रॉपर रख लीजिए, इसी ड्रॉपर में इसको फिल कीजिए और अप्लाई कर लीजिए। 3 से 4 ड्रॉप्स आपने इसकी अप्लाई करनी है, जेंटली मसाज करनी है और ओवरनाइट रखकर नेक्स्ट डे उठकर वॉश कर लेना है। आप इसे डे में भी यूज कर सकते हैं, कोई प्रॉब्लम नहीं। लेकिन अगर आप रात में इसका इस्तेमाल करते हैं तो पूरी रात स्किन पर रहने की वजह से इसका रिजल्ट बहुत ज्यादा अच्छा मिलता है। तो जरूर ट्राई करें और अपना रिजल्ट मेरे साथ जरूर शेयर करें। आई होप आपको ये सीरम बहुत ज्यादा पसंद आया होगा। तो जरूर वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और आगे आने वाली न्यू अपडेट्स के लिए चैनल को सब्सक्राइब करें। बाय बाय।